वेलकम टू कारण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा पार्ट टू ऑफ आवर सेकंड चैप्टर ठीक है पेपर बी हम करंटली कर रहे हैं पेपर ए अब कवर हो गया है वो आपको मेरी चैनल पे जो बनी हुई प्ले है नितिन सर पेपर ए कम्प्लीट वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे पेपर ए के ठीक है पेपर बी का जो पी है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देती हूँ उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तो वो ग्रुप आप ज्वाइन करें चैप्टर वन वहाँ पे अपलोड हो गया है और आज चैप्टर टू जैसे ही कंप्लीट होता है वहाँ पे मैं चैप्टर टू का पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी ठीक है तो बिफोर यू प्रोसीड फर्दर एज ऑलवेज़ से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और कॉमेंट से बताएं आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं इन केस यू वॉन्ट टू रीच आउट टू मी डायरेक्टली दिस इज माई ई मेल मुझे काफ़ी मेल आते हैं एंड uh, जितना पॉसिबल हो सके मैं सबको रिवर्ट करती हूँ ठीक है तो इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी इस एग्ज़ाम को या सोशलॉजी को लेकर तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो योगेंद्र सिंह ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ठीक है तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा ये हमारा जो हमने कल पढ़ा था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है अब थोड़ा योगेंद्र सिंह का पर्स्पेक्टिव देखेंगे उनने इसके बारे में क्या बोला है ठीक है तो ये हम स्टार्ट करते हैं 有点疼。<Okay. S 2> yeah. योगेंद्र सिंह ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ठीक है आप इनका क्या मानना था जो हमारे पास अलग अलग प्रोसेस थे जो कल्चरल चेंज बता रहे थे कैसे हो रही थी चाहे वो संस्कृटाइजेशन हो वेस्टर्नाइजेशन हो या लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन हो ठीक है तो इन्होंने कहा था ये सारी चीज़ें जो है ये आपको कल्चरल चेंजेस बता रही हैं सिर्फ जो इंडिया में हो रही हैं और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस में फोकस नहीं कर रहे हैं तो जो इनका वर्क था योगेंद्र सिंह का वो मेजरली फोकस था टूअर्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस तो ये आपको बता रहे थे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रही हैं ठीक है वेस्टर्नाइज़ेशन क्लियर हो ये किससे रिलेटेड है आपके एम एन से और एक आपने यहां पे नाम सुना होगा लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन तो लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन किनका कॉन्सेप्ट है ये है कॉन्सेप्ट रॉबर्ट रेडफील्ड का ठीक रॉबर्ट जेडफी का कॉन्सेप्ट है लिटिल ट्रेडिशन बेसिकली आपका फोक ट्रेडिशन होता है या आप रूरल एरियाज का बोल सकते हो स्मॉल सोसाइटीज का वो जो ग्रेट ट्रेडिशन होता है इसको अलीट ट्रेडिशन भी बोलते हैं ये आपके बिग uh, जो सिटीज होती हैं मेट्रोज वहां का ट्रेडिशन ठीक है तो रूरल और अर्बन करके भी आप इसको याद रख सकते हो लिटिल इज योर रूरल एंड ग्रेट ट्रेडिशन इज योर जो अर्बन सोसाइटीज का ट्रेडिशन होता है तो इन्हें कहा ये सारी चीज़ें कल्चरल चेंज हाईलाइट कर रही है लेकिन हमें किस पे फोकस करना चाहिए स्ट्रक्चरल चेंज पे भी तो उनका जो आइडिया ऑफ सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन यह कॉम्बिनेशन है कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल चेंज का तो उन्होंने उसके लिए दो चीजें बताई थी उन्हें दो डायमेंशंस uh, में इसको एनालाइज किया था पहले इन्होंने कहा था हमें लोकेट करना है सोर्स ऑफ सोशल चेंज की जो सोशल चेंज हो रही है बेसिकली उसका सोर्स क्या है वो कहाँ से आ रही है तो इन्होंने हमें दो उसके लिए प्रोसेस दिए थे एक है एंडोजिनस एंड एक है एक्सोजिनस आई थिंक मैंने आपके पुराने वीडियोस में पढ़ाया है या किसी एक वीडियो में तो मैंने डोंट नो ये आपका आपका कोर्स था या किसी और एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रही थी तो खैर इंडोजिनस होता है जो आपके इनसाइड सोर्सेस की वजह से चेंज हो और एक्सोजेनस होता है जो आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है ठीक है अब इसकी बेस्ट एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो जो इंडोजिनस है उससे आप समझ सकते हो बुद्धिज्म का जो बुद्धिज्म आया इंडिया में वो बेसिकली आ, वो जो ब्राह्मणिकल एंटी ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के लिए आया था उसकी काउंटर एक आइडियोलॉजी आई थी ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के काउंटर बुद्धिज्म तो आप बोल सकते हो वो इंटरनली कुछ हो रहा था इस वजह से चेंज आई थी ठीक है जो फिर इन्वेजन ऑफ इस्लामिक फोर्सेस था जो यहाँ पे हुआ था इंडिया में वो आप बोल सकते हो आउटसाइड सोर्सेज की वजह से चेंज आई थी ठीक है क्योंकि इस्लाम यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ था ऑरिजिनेट नहीं हुआ था उसका सोर्स कहीं और था उनने बस थ्रू इन्वेजन यहाँ पे क्या किया था अटैक किया था और यहाँ के वो रह गए थे तो वो आपका एक्जोजिनियस सोर्स ऑफ चेंज था एंड ये आपका इंडोजिनियस सोर्स ऑफ चेंज है ठीक है तो इन्होंने क्या कहा था बेसिकली इनकी पहली बात थी कि हमें सोर्स ऑफ चेंज देखना है क्या है हमें उसको लोकेट करने की कोशिश करनी है तो जो आपका एंडोजेनस सोर्स ऑफ चेंज है इसको ऑर्थोजेनेटिक भी बोला जाता है एक्सोजेनस का दूसरा नाम है ठीक है तो इन्होंने क्या कहा था कि जो एंडोजेनस चेंज है उसके रीजन हो सकते हैं कल्चरल भी एंड स्ट्रक्चरल भी ठीक है दोनों रीजन हो सकते हैं कल्चर एंड स्ट्रक्चर अब जो एंड अब आपको यही देखना है इस टॉपिक में कि कल्चरल चेंज क्या है एंडियोजनस एंड आपका स्ट्रक्चरल क्या है तो इंडिजिनियस सोर्सेज ऑफ कल्चरल चेंज हुआ पहले ये देखते हैं ऑर्थोजेनेटिक सोर्स इंक्लूड संस्कृटाइजेशन कल्चर एटसेट्रा विच आर एंडोजेनस सोर्स ऑफ कल्चरल चेंज ठीक है एंड माइग्रेशन पॉपुलेशन चेंज एलिट सर्कुलेशन रॉयल सक्सेशन एटसेट्रा आर द इंडिजिनियस सोर्सेज ऑफ चेंज एट द स्ट्रक्चरल लेवल दैट मीन्स इन्होंने इंडोजिनियस सोर्स ऑफ चेंज को पहले एक्सप्लेन किया कि कल्चरल लेवल पे इनसाइड सोर्स फोर्सेज की वजह से क्या चेंज हो रही थी एंड स्ट्रक्चरल लेवल पे ही इनसाइड फोर्सेज की वजह से क्या चेंज हो रही थी ठीक है अभी हम एक्सोजेनिस या हेटीरोजेनेटिक सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज पे नहीं गए हैं अभी हम किसकी बात कर रहे हैं ऑर्थोजेनेटिक तो है, विच इज यो एंडोजेनस तो एंडोजेनस तो सोर्स ऑफ चेंज दो वजह से हो सकता है कल्चर की वजह से या स्ट्रक्चर की वजह से ठीक है अगर ये कल्चर की वजह से हुआ तो उसके क्या रीजन्स होंगे जैसे आपका सन्स्क्रिटाइजेशन हो गया या कल्चर रिवाइवल होता है थ्रू कल्चर जेनेसा अगर आपका इंडियोजनस चेंज या ऑर्थोजेनेटिक जन, चेंज आपका स्ट्रक्चरल रीजंस की वजह से हुआ तो वो स्ट्रक्चरल रीजंस क्या होंगे पॉपुलेशन में चेंज आ गई एलिट सर्कुलेशन एक एट एलीट सर्कुलेशन थियोरीज हमने पढ़ी है वो कैसे होता है एक एलीट और थ्रो करता है दूसरे ग्रुप ऑफ एलीट को रॉयल सक्सेशन वगैरह इनसे भी चेंजेस आती है लेकिन वो कौन सी चेंजेस होती हैं जो आपके स्ट्रक्चरल लेवल पर आ रही होती हैं इनसाइड सोर्सेज की वजह से ठीक है ये आपका फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट आओगे आपका हेडियोजेनेटिक सोर्स ऑफ चेंज जो कौन सी होती है आपकी एक्सोजेनेटिक सोर्स ऑफ चेंज इसमें आपका इस्लामिक इन्फ्लुएंस आ गया मेडिवल पीरियड में एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया मॉडर्न पीरियड में ठीक है उन्होंने कहा सेकेंड डायमेंशन में उन्होंने देखा ही व्यूड सोशल चेंज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ बोथ चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन कल्चर ठीक है तो उन्होंने सोशल चेंज का पहले हमें सोर्स बताया एंड देन सोशल चेंज को उन्होंने एनालाइज किया स्ट्रक्चरल चेंज में भी एंड कल्चरल चेंज में भी कल्चरल लेवल पे उन्होंने कहा मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन जो होती है ये टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ कैसे मॉडर्न वैल्यूज ऑफ रैशनलिटी साइंटिफिक आउटलुक मॉडर्न एजुकेशन अर्बनाइजेशन स्ट्रगल अगेंस्ट सोशल इविल्स एंड चेंज इन कास्ट सिस्टम तो ये क्या हो रहा है चेंज हो रही है कल्चरल लेवल पे सोसाइटी की According to him, theories of Sanskritization, Westernization, Little and Great Tradition, etc. were an attempt to explain only the cultural change or structural level the changes are institutions of bureaucracy, middle class, new class of industrial elite, army, working class, etc. were the result of modernization of structure in the structural terms. दे वर लार्जली एट द माइक्रो लेवल एंड है पैन इंडिया इफेक्ट माइक्रो माइक्रो का क्या है ये हम आगे देखेंगे ठीक है तो बेसिकली हमने दो बातें यहाँ पे देखी पहले हमने देखा सोर्स ऑफ चेंज या तो वो इंटरनल सोर्स हो सकता है अगर वो इंटरनल है तो दैट इज कॉल्ड एज एंडस और ऑर्थोजेनेटिक अगर वो एक्सटर्नल सोर्सेज सोर्स ऑफ चेंज है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से दैट इज कॉल्ड आपका एक्सोजेनस और हेटीरोजेनेटिक चेंज सेकेंड इन्होंने कहा जो सोशल चेंज हो रही होती है सोसाइटी में उसको हम कल्चरल टर्म्स में भी देखते हैं स्ट्रक्चरल टर्म्स में भी देखते हैं कल्चरल टर्म्स में आगे आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन हो रहा है ठीक है रैशनैलिटी का साइंटिफिक आउटलुक एजुकेशन अर्बनाइजेशन स्ट्रगल अगेंस्ट सोशल इवेंट्स या चेंज इन कास्ट सिस्टम यह आपके कल्चरल लेवल पे सोशल चेंज आ रही है अगर स्ट्रक्चरल लेवल पे सोशल चेंज आएगी तो आपके इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं न्यू मिडिल क्लासेस आ रही हैं ये हमने कल भी मैंने आपको कहा था योगेंद्र सिंह का कहना था मॉडर्नाइजेशन की वजह से स्ट्रक्चरल चेंज आया सोसाइटी में क्योंकि न्यू क्लासेस इमर्ज हो गई ठीक है कल का पॉइंट है कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था एट स्ट्रक्चरल लेवल जो इंस्टीट्यूशन है आपके मिडिल क्लास न्यू क्लास इंडस्ट्रियल एलिट आर्मी वर्किंग क्लास वगैरह ये भी आपके बढ़ना शुरू हो गए दे वर द रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ट्रेडिशन इन दी स्ट्रक्चरल टर्म्स और इनको मैक्रो लेवल पे देखते हैं अब वो मैक्रो क्या है बेसिकली इन्होंने स्ट्रक्चरल चेंज को देखा था फर्दर टू पॉइंट्स ऑफ व्यू से एक हो गया माइक्रो चेंजेस एंड सेकेंड इज माइक्रो चेंजेस दैट मीन्स अब हम कल्चर से हट गए पहले तो इन्होंने सोशल चेंज के ऑरिजिन को लोकेट किया फिर कहा सोशल चेंज जो होती है सोसाइटी में वो कल्चर भी है स्ट्रक्चर भी है अभी फोकस कर रहे हैं स्ट्रक्चर चेंज को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर चेंज किस वजह से होता है सोसाइटी में माइक्रो चेंज की वजह से भी हो सकता है एंड मैक्रो चेंज की वजह से भी होता है जो आपका माइक्रो चेंज है दैट इज नथिंग बट योर एनालॉगस और आप बोल सकते हो सिनोनिमस टू योर लिटिल ट्रेडिशन एंड जो आपका मैक्रो चेंज है दैट इज नथिंग बट सिनोनिमस टू योर ग्रेट ट्रेडिशन ठीक है फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर चेंज इन कास्ट फैमिली विलेज कम्युनिटी इनको हम माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज इन ट्रेडिशन भी बोल सकते हैं क्योंकि माइक्रो लेवल पे हो रही है एक फोक ट्रेडिशन जो है आपका चेंज हो रहा है अब माइक्रो चेंजेस होगी वो ग्रेट चेंजेस हैं तो वो बड़े लेवल पे होंगी अर्बन पैन इंडिया लेवल पे कोई चेंजेस देखने को मिलेंगी चेंजेस इन पोलिटिकल इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेटिक अर्बन स्ट्रक्चर्स ठीक है ये आपके माइक्रो चेंजेस हो गई रोल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है तो हमने इसमें तीन बातें देखी योगेंद्र सिंह की पहली तो इन्होंने सोर्स हमें बताया ऑफ चेंज एंडो हो सकता है या एग्जो हो सकता है ठीक सेकेंड इन्होंने क्या बताया कि सोर्स हमारा जो सोशल चेंज है वो कैसे कल्चरल लेवल पे होता है एंड योर स्ट्रक्चरल लेवल पे होता है ठीक है थर्ड इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन की बात की कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं आपके या तो वो माइक्रो हो सकते हैं या तो वो मैक्रो हो सकते हैं ठीक है मैक्रो को इन्होंने लिटिल ट्रेडिशन एंड मैक्रो को ग्रेट ट्रेडिशन से उसका जो है एनालॉजी वो ड्रॉ करी तो ये ऐसे करके अगर आप फॉर्मेट में अपने नोट्स बनाओगे तो आप कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो स्किप नहीं करोगे तो आई होप इट इज़ क्लियर दो चार बार मैंने आपको बता दी है ये चीज़ ताकि आपको साथ साथ आपका रिविजन भी होता रहे तो डायग्राम पे ऑफ चेंज आप देख सकते हो कल्चरल लेवल पे ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस क्या हो रही हैं ठीक एंड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल लेवल पे ऑर्थोजेनेटिक चेंज क्या हो रही है एंड हेटीजेनेटिक uh, चेंज क्या हो, हो रही है जो यहाँ पे सब कुछ लिखा है उसको उसकी ही यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है तो आगे देखते हैं देखो इनका और क्या मानना था इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो माइक्रो लेवल है या माइक्रो लेवल की चेंजेस होती हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं दैट मींस ऐसा नहीं है कि माइक्रो माइक्रो मैक्रो पे इम्पैक्ट डाले एंड जो मैक्रो है वो माइक्रो पे इम्पैक्ट डाले ठीक है ऐसा नहीं होता है द चेंजेस एट दी माइक्रो लेवल ऑफन फेल टू हैव एन इफेक्ट एट दी माइक्रो लेवल एक्सप्लेन लोकल कल्चरल कॉन्टिन्यूटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया अब देखो जो हमारा लोकल कल्चर है जिसको हम फोक या माइक्रो कल्चर बोलेंगे या लिटिल ट्रेडिशन बोलेंगे उसमें चेंजेस हमें देखने को नहीं मिली है इतने मॉडर्नाइज़ मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन ये सारी चीज़ होने के बाद भी जो फोक ट्रेडिशंस है उतने ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं तो इससे इन्होंने एक जो अपना एनालिसिस ड्रॉ करा था कि इनके बीच में इंटरमिक्सिंग नहीं होती दोनों रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये बोलना इस वजह से भी जरूरी था क्योंकि जब रॉबर्ट रेडफील्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने कहा था चीजें ट्रांसफर होती है फोक ट्रेडिशन या आपके लिटिल ट्रेडिशन से ग्रेट ट्रेडिशन में एंड ग्रेट ट्रेडिशन से लिटिल ट्रेडिशन में कुछ चीजें जो है या कल्चर जो है वो ट्रांसमिट होते हैं लेकिन इन्होंने क्या कहा था ये इट फेल टू हैव एन इफेक्ट एट इट जैसे माइक्रो लेवल पे चेंजेस आ रही है जरूरी नहीं वो ट्रिकल डाउन करेगा उसका इफेक्ट माइक्रो लेवल पे भी Changes in tradition in india started to manifest in considerable sense only after the contact कॉन्टैक्ट west. देखो अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा कोई question आया होगा या आएगा कि India पर rule तो काफी इनने किया अलग अलग parties ने जब Islamic invasion यहाँ पे हुआ तो Islamic rule आ गया ठीक है लेकिन कंसिडरेबल चेंज नहीं आई क्योंकि उनने इतने सालों तक रूल किया फिर भी तब भी हम इंडिया को मॉडर्न वो मॉडर्न नहीं कर पाए ठीक है मॉडर्निटी उन्होंने नहीं लाई या इंडिया का जो अपना कल्चर है उसमें भी ज्यादा वो चेंज नहीं ला पाए वो क्यों क्योंकि दे वर लॉस्ट इन द ब्यूटी ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया इंडिया का जो कल्चर था उनको पसंद आ गया था उन्होंने वो इनग्रेन इम्बाइब किया था वो इसी कल्चर का पार्ट बन गए थे उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी अपने कल्चर थोपने की कोशिश नहीं की थी इसीलिए इस्लाम डिट ब्रिंक अबाउट मॉडर्नाइजेशन एज इस्लाम ऑल्सो चेरिश द वैल्यूज विच व रूटेड इन ट्रेडिशन क्योंकि खुद भी वो एक ट्रेडिशन किसी से बिलोंग करता था तो उसके लिए भी रेस्पेक्ट थी उसको भी रेस्पेक्ट थी ट्रेडिशनल वैल्यूज की और इंडिया का भी जो अपना कल्चर था उसकी भी उसने जो है उसमें ज़्यादा चेंजेस जो है वो लाने की कोशिश नहीं की एज कंपेयर टू वेस्ट जो वेस्टर्न आए उन्होंने बिल्कुल ही एजुकेशन चेंज हो गया ठीक है सोसाइटी चेंज हो गई आपका कल्चर चेंज होने लगा तो काफ़ी चेंजेस जो है वो वेस्ट के आने के थ्रू हो गई लेकिन एक और पॉइंट आप योगेंद्र सिंह में याद रखोगे उन्होंने कहा था देर इज नो क्लियर कॉन्ट्रेरिटी बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन दैट मीज ए वाटर कंपार्टमेंट्स में नहीं है मतलब बिल्कुल अलग नहीं है आप ये बिल्कुल ए या बी करके इसको रिलेट नहीं कर सकते कि मॉडर्नाइजेशन एक बिल्कुल अलग चीज है ट्रेडिशन एक बिल्कुल अलग चीज है इनफैक्ट इन्होंने कहा था जो मॉडर्नाइजेशन हुई है ट्रेडिशन की वो सिलेक्टिव हुई है और जो स्ट्रक्चर था इट वॉज ऑफ्टन डिलिबरेटली लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाई कॉलोनियल रूलर्स ठीक है तो जो मॉडर्नाइजेशन है ऐसा नहीं हर फील्ड में हर चीज में मॉडर्नाइजेशन हुई नहीं कास्ट सिस्टम तो तब भी था उनके आने के बाद भी रहा था कास्ट सिस्टम ऑल दो सती वगैरह में कुछ उन्हें चेंजेस लाई थी बट जो रिलीजन जैसे चल रहे थे यहाँ पे उनमें भी कुछ खास बड़ी लेवल की चेंजेस हमें देखने को नहीं मिली थी वो एक रीजन था क्योंकि ये चीजें इन्होंने डिलिबरेटली अनटच रखी थी अनडिस्टर्ब रखी थी वो क्यों रखी थी क्योंकि उनको पता था कि कास्ट रिलीजन ठीक है ये सारी चीजें जो है इंडिया के लिए काफी ज्यादा वैल्यू रखती हैं तो वो डरते थे एक कल्चरल म्यूटिना म्यूटिनी ना हो जाए क्योंकि एक सिपोई म्यूटिनी ऑलरेडी हो गई थी म्यूटिनी हम किसको बोलते हैं जो आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 था या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो वैसी कोई चीज कल्चर अब कास्ट उस लेवल पे भी कल्चरल म्यूटिनी ना हो जाए लोग वहां उस लेवल पे भी रिवॉल्ट करें तो उन्होंने कुछ चीजें अनडिस्टर्ब रखी ताकि वो इंडिया को ये फील करा सके वो इनके उस बेसिक में नहीं घुसना चाहते हैं ठीक है तो इसके पीछे भी उनकी एक चाल थी किसी पॉजिटिव वे की वजह से उन्होंने या पॉजिटिव आउटलुक की वजह से उसको अनडिस्टर्ब नहीं रखा था इट वॉज ओनली आफ्टर कम्युनल इलेक्टोरेट जो था दैट कुछ आस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर वो सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड बाई द मॉडर्नाइजिंग इन्फ्लेंस तो कम्यूनल इलेक्टोरेट क्या होता है दिस इज सिमिलर टू योर सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटी नाइन में इंट्रोड्यूस किया था मॉडल इंटोरिफॉर्म्स में उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी कि मुस्लिम्स मुस्लिम्स को वोट करेंगे सिक्स सिक्स को वोट करेंगे ठीक है आई गेस नाइनटीन में मुस्लिम्स के लिए शायद इंट्रोड्यूस किया था फिर नाइनटीन में उसको फर्दर एक्सटेंड किया था सिक्स क्रिश्चियंस वगैरह के लिए भी शायद पूरा मुझे अब याद नहीं है ये क्या है बट नाग्ट में हुआ था तो था क्या कि अब आप अपने अपने के लिए वोट अलग कर सकते हो तो ये आने के बाद थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजिंग इन्फ्लुएंस होने लगा क्योंकि हर रिलीजन जो है वो अपने लोगों के कंट्रोल में आना शुरू हो गया नेशनल मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्म्स जो थे प्ले देयर पार्ट इन मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस ठीक है योगेंद्र सिंह ने कहा चेंजेस इन ट्रेडिशन है हैव बिन इन द नेचर ऑफ अडेप्टिव चेंजेस इन ट्रेडिशन स्ट्रक्चर एंड नॉट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ डिसोसिएशन ऐसा नहीं है कि आपका ट्रेडिशन खत्म हो गया ब्रेकडाउन हो गया डिसोसिएट व नहीं कुछ अडेप्टिव चेंजेस आ गई दैट मीन्स कुछ इस चीज़ों में उन्होंने अडाप्ट करने की कोशिश करी और कुछ चेंजेस आई ब्रेकडाउन नहीं हो गया पुराने ट्रेडिशन का तो हम बोल सकते हैं ऐट बेस्ट एक न्यू ट्रेडिशनलाइजेशन जिसमें मॉडिफिकेशन थोड़ा हुआ और ये अडेप्टिव चेंजेस आ गई आपके ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में ये चीज़ जो थी ये प्रोसीड किया था अलॉन्ग विथ मॉडर्नाइजेशन तो ऐसे की वर्ड्स करके आप आ, याद रख सकते कि योगेंद्र सिंह ने न्यू जो था उसने प्रोसीड किया चीजों के आपको मार्क्स मिलते हैं ठीक है ऐसे ऐसे की यूज करने के प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड जो टॉपिक है ये भी सिंपल टॉपिक है ज्यादा एक्सप्लेन करने का इसमें कुछ है नहीं क्योंकि हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा वही सारी चीजें यहाँ पे जो है लिखी हुई है फ्रॉम अ डेफिनेशन पर्सपेक्टिव Protest, जो मूवमेंट्स है, हो होती हैं आपकी वो लॉन्ग लिव्ड होती हैं ठीक है वो कुछ ही टाइम के लिए नहीं होती लंबे टाइम के लिए चलती रहती है ये हमने पेपर ए में भी डिस्कस करा है मैंने आपको ये चीज बताई है या वो इश्यू बेस्ड हो सकती है जो भी आपके प्रोटेस्ट होते हैं कॉलोनियल रूल जो है इन इंडिया फिटनेस न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्रोटेस्ट ये पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में एंड सोशल मूवमेंट्स काफी ज्यादा अराइज हुई थी आउट ऑफ द डिसकंटेंट वो ट्राइबल के रिलेटेड थी ठीक है आपकी प्रेजेंट मूवमेंट्स थी आ, कुछ रिफॉर्म्स के रिलेटेड भी मूवमेंट्स आई थी तो काफी सारी जो मूवमेंट्स है वो इनके टाइम पे चल रही थी क्योंकि लोग जो थे वो खुश नहीं थे ब्रिटिश रूल से तो ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड रिलीजियस सोशल पॉलिसीज जो थी लेट रिएक्शन फ्रॉम द वेरियस सेक्शंस ऑफ द इंडियन जे हमें पता है कुछ ऑर्थोजेनेटिक फैक्टर्स थे दैट इज ए इंटरनल फैक्टर भी थे Uh, as well which played their role in giving birth to colonial era movements and protests indian society jothi it had developed certain defects which demand the intervention in the form of social movements सो द कॉज ऑफ सोशल मूवमेंट्स इंटरनल भी थे या एक्सटर्नल भी थे प्रेजेंट मूवमेंट जो थी दे वर लार्जली रिजल्ट ऑफ एक्सेस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज और कास्ट मूवमेंट जो थी वो इंटरनल फॉल्ट लाइन्स की वजह से थी जो सोसाइटी में थी तो कास्ट बेड कास्ट बेस मूवमेंट्स भी आपकी आ रही थी वो आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से थी एंड जो कॉलोनल पॉलिसी जो एक आउटसाइड फोर्स था उसकी वजह से जो उसकी एक्सप्लोइटेशन हो रही थी उसकी वजह से भी मूवमेंट्स सामने आ रही थी जैसे आपकी प्रेजेंट मूवमेंट्स वगैरह तो वेरियस वेरियसोजिकल वेरियस सोशल मूवमेंट जो थे जो इवॉल्व हुए थे कॉलोनियल पीरियड में उनको आप ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो ट्राइबल मूवमेंट्स बैकवर्ड क्लास मूवमेंट्स प्रेजेंट वेमन मूवमेंट रिलीजियस मूवमेंट नेशनलिस्टिक एजुकेशनल इंडस्ट्रियल और लेबर मूवमेंट्स ठीक है ये सारे आप क्लासीफाई कर सकते हो जो मूवमेंट्स उस टाइम पे सामने आ रही थी तो लीडरशिप जो थी इनसाइड आपके इंडियन से ही थी ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं इनलाइटेड कुछ कुछ यूरोपियंस भी उसमें साथ थे फाइन जो आपको हेल्प कर रहे थे एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा या ऐसे भी और भी नाम जो यूरोपियंस ने भी आपको हेल्प करी थी मूवमेंट्स में एंड ये कुछ इमर्जेंट मिडिल क्लास जो नई क्लास स्ट्रक्चर ये नया क्लास स्ट्रक्चर बन रहा था एक मिडिल क्लास जो एजुकेटेड वेस्टर्न एजुकेटेड लिबरल आइडियाज होल्ड करते थे उन्होंने भी हेल्प की थी इन मूवमेंट्स के लीडरशिप प्रोवाइड करने में मोस्ट ऑफ देम वर ड्रिवन बाय इंटरेस्ट आइडियोलॉजी लेकिन उनमें से कुछ थे जो इंटीग्रेट हुए थे नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी के साथ इंटरेस्ट आइडियोलॉजी जो एक पर्टिकुलर इशू पर्टिकुलर इंटरेस्ट की वजह से सामने आती है एक किसी एक सेक्शन की फॉर एग्जाम्पल आपके प्रेजेंट मूवमेंट्स उनका एक क्या था दे वर गाइडेड बाई द इंटरेस्ट आइडियोलॉजी एक पर्टिकुलर सेक्शन की लेकिन आपकी जो वुमेन मूवमेंट्स थी या ट्रेड मूवमेंट्स भी बाद में वो बाद में इंटीग्रेट हो गई थी इनटू दी मेन स्ट्रीम फ्रीडम स्ट्रगल फाइन तो ऐसे अलग अलग टाइप की आपकी मूवमेंट सामने आ रही थी तो काफी आ, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स उस टाइम की ये सारी आपने हिस्ट्री में देखी होंगी ब्रह्म समाज ब्रह्मो समाज प्रार्थना समाज आर्य समाज अलीगढ़ मूवमेंट सिमिलरली ट्राइबल मूवमेंट्स वर दी रंपर रेबिलियन कॉन्ड रेबिलियन कोया रेबिलियन पेजेंट मूवमेंट्स में चंपारण खेड़ा सत्याग्रह तिबागा ठीक है मोस्ट ऑफ दी मेनी ऑफ दिस मूवमेंट्स विल बी डिस्कस इन डिटेल इन दी लेटर चैप्टर्स तो हमारा मूवमेंट्स का एक चैप्टर है जहाँ पे हमें सारे मूवमेंट्स जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है तो बेसिकली ये डायग्राम जो है रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट्स का कैसे जो होता है ये कौन कौन से टाइप की मूवमेंट्स थी और क्या कॉजेज थे उनके तो ऑर्थोजेनेटिक कॉजेज थे मूवमेंट्स के इंटरनल जैसे आपकी कास्ट इन एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड हेटीरोजेनेटिक जो आपके एंडो एक्जोजिनस रीजन थे काजेस थे उसमें आपके इकोनॉमिक एक्सप्लाटेशन पॉलिटिकल एक्सप्लोर्टेशन आता है इन सब चीजों की वजह से मिला के क्या बन गए थे प्रोटेस्ट हो रहे थे और मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स अलग अलग टाइप की थी आपकी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी जो पुराने कल्चर को रिवाइव करने की बात कर रहे थे जैसे आपके आर्य समाज थे रिफॉर्मस्ट मूवमेंट थे आपके ब्रह्मो समाज वगैरह जो रिफॉर्म्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे आपकी नेशनलिस्ट मूवमेंट आ रहे थे आपका सारा फ्रीडम स्ट्रगल इसी अराउंड था ट्राइबल राइट्स के लिए जो लड़ाइयाँ हो रही थी जैसे हमने अभी देखा और कुछ प्रेजेंट अपलिफ्टमेंट के लिए भी

ठीक है पुराने ऑर्डर को रिवाइव करना रिएक्शन है जो अपोज करता है कोई भी चेंज जो सोसाइटी में हो रही होती है उस पर वो रिएक्ट करता है तो उन्होंने तना भगत मूवमेंट लेके आए थे ये मूवमेंट कहाँ हुई थी ये अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये ओरियन कम्युनिटी थी छोटा नागपुर एरिया की छोटा नागपुर ठीक है तो बेसिकली अगेंस्ट जो भी एक्सप्लाइटेशन हो रही थी एक तो ब्रिटिशर्स की ऐसी पॉलिसीज थी जो उनको एक्सप्लाइट करी थी लेब पेजेंट्स वगैरह को सेकेंडली जमीनदार्स के अगेंस्ट भी वो थे क्योंकि उससे उनकी डबल एक्सप्लाइटेशन हो रही थी अनपेड लेबर के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था तो काफी ऐसे कीमुलेटिवली काफी ऐसे इफेक्ट्स थे रीजनस थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है वो आई थी ठीक है आपने बिरसा मुंडा वगैरह मूवमेंट पढ़ी होगी ना तो ये उसी का एक एक्सटेंशन था ये हिस्टोरिकल पार्ट है थोड़ा सा आपको बताया बस बैकग्राउंड के लिए तो इन्होंने क्या कहा था ऐसी जो भी मूवमेंट्स है उनके रूट्स कहाँ पे थे कल्चर एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन में ट्राइबल्स की ये कौन से ट्राइबल से रिलेटेड थे आपका ओरियन कम्युनिटी सिमिलरली आर्य समाज रिवाइवलिस्ट थी गो बैक टू वेदास और वहां पे कुछ रिफॉर्मेटरी मूवमेंट्स भी हैं वो भी आई थी रि, सामने रिफॉर्मेटरी मूवमेंट जो रिफॉर्म की बातें करते जैसे ब्रह्म समाज वगैरह द आइडिया ऑफ द प्रेजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट इज ऑफन स्ट्रेस टू फार बाई द हिस्टोरियंस उनको एसोसिएट करने के लिए नेशनल मूवमेंट के साथ डिस्पाइट द फैक्ट की जो मोट ऑफ दम थी वेर लार्जली इंटरेस्ट गिवेन एंड वो ट्रांजिटरी थी एंड वाइ नेशनल मूवमेंट वर कंटिन्यूअस तो मोस्टली जो ये सारी मूवमेंट्स थी वो अपनी ग्रेजुअट के लिए थी उनको नेशनलिस्टिक आडियोलॉजी नेशनलिस्टिक नेशनलिज्म के साथ उनका कोई लेना देना नहीं था ठीक है तो इसको बिल्कुल ही बोलना की हाँ वो भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अगर आप इसको भी इन्वॉल्व करोगे तो काफी चीज लोगों ने क्रिटिक्स ने इस चीज को कॉल आउट किया है मैनी मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट जो थे दे गेन कंसिडरेबल ट्रैक्शन ठीक है उनको इंपॉर्टेंस मिली काफी मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट को उस ब्रिटिश एरा में एंड दे ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ नेशनलिस्टिक एजेंडा फॉर एग्जाम्पल जो प्री इंडिपेंडेंस प्रेजेंट मूवमेंट्स थी उन्हें दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द अग्रेरियन रिफॉर्म एजेंडा इन वेरियस पार्टस ऑफ कलोनियल इंडिया ठीक है अग्रेरियन रिफॉर्म्स जो लेकर आए थे तो उसके पीछे रीज़न जो प्री इंडिपेंडेंस प्रेजेंट मूवमेंट थी वो भी एक uh, रीज़न था ब्रिटिशर्स के लिए अग्ररियन रिफॉर्म्स लेकर आना तो जो वुमेन मूवमेंट थी उसमें uh, उसकी से उसकी वजह से इंपॉर्टेंट रेजिस्लेशन सामने आए जैसे

सिमिलरली जो वर्कर्स मूवमेंट थी इट लेड टू द रेगुलेशन ऑफ वर्कर्स और जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी लाइक द अकाली मूवमेंट वगैरह इसने क्या किया लेड टू रिफॉर्म्स ऑफ गुरुद्वारा मैनेजमेंट फाइन ये सारी चीजें हो गई तो कुछ कुछ इम्पेक्ट uh, जो इन मूवमेंट्स का पड़ा था इंडिया uh, पे ब्रिटिश uh, एरा में ये वो सारी चीजें यहाँ पे बोली गई हैं वुमेन ज्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन अ वे ले डाउन फाउंडेशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया क्योंकि बहुतों को बाद में एक ऑर्गेनाइज वे में या इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस और जो आइडियाज उनके साथ थे लेटर टुक द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स वगैरह ठीक है इससे क्या हुआ इन इन अ वे दे चेक द डेकेडेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड लेट टू द नेशनल अवेकनिंग तो जो पॉजिटिव या रिफ़ॉर्म की बातें पहले हो रही थी वो बाद में भी कहीं ना कहीं उसके लिए पॉलिसीज लेके आगे जैसे वुमेन मूवमेंट्स आई थी तो उसके लिए फिर वुमेन के लिए काफ़ी रिफॉर्म लेके आगे पोस्ट इंडिपेंडेंस या एग्रीकल्चरल जो रिवॉल्ट हुए थे या एग्रेरियन जो डिसकंटेंट था पिज डिसकंटेंट जो था प्री इंडिपेंडेंट एरा में उसको क्या किया उसको एड्रेस किया गया और बाद में इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ लैंड रिफॉर्म्स लेके आगे अकॉर्डिंगली काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन बने ठीक है आपके से बॉन्डेड लेबर या वो सारी चीज़ें उनको हटाया गया उसके लिए अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स लाए तो लेजिस्टिव बैकिंग भी मिली इन चीज़ों को पॉलिसी रिफॉर्म्स भी आए तो ये सारी चीज़ें जो थी इन्होंने हेल्प किया इंडिया सोसाइटी को ख़त्म नहीं होने में डिकेट नहीं करने में ठीक है तो इन्होंने एक पुश फॉरवर्ड किया इंडियन सोसाइटी को टूवर्ड्स मॉडर्निटी इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सारी चीज़ें बिफोर इंडिपेंडेंस हो रही थी प्रोटेस्ट एंड मूमेंट्स जुरंग द कलोनियल पीरियड ऑल्सो ब्रेड नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट्स एंड मनी ऑफ दम वर्क इन टेंडम विद नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल अटीमेटली हेल्प इन अचीविंग इंडिपेंडेंस तो जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स कलोनियल पीरियड में हो रही थी वो साथ साथ नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की भी चल रही थी और बाद में इन्होंने अल्टीमेटली किसमें हेल्प किया था अचीव करने में इंडिपेंडेंस सक्सेस ऑफ द कलोनियल एरा इज ऑफन डिबेटेड बाय द स्कॉलर्स कुछ कॉलोनियल uh, uh, कुछ uh, बोलते हैं कि मेनी कॉलोनिय एरा प्रोटेस्ट मूवमेंट जो थी स्पेशली रिफॉर्म मूवमेंट्स उनमें सिर्फ एलिट पार्टिसिपेशन हुई थी और मासस तक वो नहीं पहुंची थी इसीलिए कोई स्ट्रक्चरल चेंज सिग्निफिकेंट देखने को नहीं मिला था एंड ऑल्सो देवर ऑफन कॉल्ड डी नेशनलाइज एंड वेस्टरनाइज मूवमेंट्स की लिबरल आइडियाज से वो ज्यादा एसोसिएटेड थे और नेशनलिज्म के साथ उनका कोई खास रिलेशन नहीं था सेकेंडली कहा जाता है कि वो नैरो था इन देयर अप्रोच मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोकलाइज था और काफी बड़े पार्ट्स को एक्सक्लूड करता था विच ऑफन फेल्ड फेल अंडर दी प्रिंसली स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनमें ज्यादा ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिली थी प्रिंसली स्टेट्स वो थे आपके जहाँ पे आपके रूरल रूलर्स ही रूल कर रहे थे ठीक है सम ऑफ द मूवमेंट्स वर डिस्कस आर डिस्कस इन डिटेल इन दी लेटर पार्ट्स ऑफ द बुक बाद में हम देखेंगे एक चैप्टर है सोशल मूवमेंट्स करके उसमें सारी चीज़ें हमें पढ़नी है आपको पता होगा 1858 का भी जब रिवॉल्ट हुआ था 1857 का रिवॉल्ट उसमें भी प्रेजेंटली स्टेट्स की ज्यादा पार्टिसपेशन देखने को नहीं मिली थी तो ये अपने साथ साथ एक पैरल इंडिया चल रहा था जिनकी अपनी लाइफ चल रही थी अभी भी राजा के अंडर थे डायरेक्टली ब्रिटिश उसके अंडर पहले नहीं आए थे ये ठीक है तो ये ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होते थे क्या सोशल रिफॉर्म्स आए ड्यूरिंग रूल ये आज का लास्ट टॉपिक है ये हम हम देखते हैं इसके बाद हम जो मॉडल आंसर्स वो भी डिस्कस करेंगे तो क्या सोशल रिफॉर्म्स आई ये सारी चीजें आपने डिस्कस करी होंगी विल क्विकली गो थ्रू दिस पेज ठीक है एक तो आपका सती चाइल्ड मैरिज पेट्रीआर की एलिड कास्ट एलीड अनटचेबिलिटी uh, ने किसको परेशान किया था लोअर कास्ट को एजुकेशन बैकवर्ड थी सुपरस्टेशन हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक है इससे सोसाइटी परेशान थी सती चाइल्ड मैरिज पेट्रियार्की से वुमेन परेशान थे तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो था वो परेशान था ये कहने का मतलब है सोशल रिफॉर्म जोरिंग कॉलोनियल रूल वो आए थे ऑर्थोजेनेटिक हेटीरोजेनेटिक दोनों चेंजेस की वजह से थे और काफी ब्रिटिश अनलाइटन ऑफिशियल जैसे विलियम बेंटिक इन्होंने काफी रिफॉर्म्स लाए थे इनको मोस्ट बेनोलेंट रूलर भी कहा जाता है ब्रिटिशर्स का चार्ल्स मेट कैफे और रिपन जैसे इन्होंने आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह और इन्होंने प्रेस की लिबरेशन के लिए तो काफी जो ब्रिटिश ऑफिशल्स ब्रिटिश ऑफिशल जो थे कुछ कुछ ब्रिटिश ऑफिशल्स काफी तो नहीं कह सकते उन्होंने भी काफी हेल्प की और वेस्टर्न एक्टिविस्ट जैसे एनी बेसेंट वगैरह तो इन्होंने भी इंडियन इसमें सोशल रिफॉर्म

ये किसके साथ मोस्टली हम एसोसिएट करते हैं राजा राम मोहन रॉय के साथ काफ़ी हेल्प की विडो रिमेरिज एक्ट आया एटीन फिफ्टी सेवन में ठीक है उसके बाद वुमेन्स राइट के लिए माग्रेटा काजन एंड एनी बर्सन जो थे दिस स्ट्राइव फॉर द सोशल एंड द पोलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन शारदा एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी नाइन जिसको चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट भी बोला जाता है इसने क्या किया चाइल्ड मैरिज की वो जो एज थी मैरिजेबल एज उसको इंक्रीज़ किया Women के अलावा बाकी स्पेसिफिक में इंडियन स्लेवरी एक्ट के थ्रू क्या, क्या गया था स्लेवरी को प्रोहिबिट किया गया था लाइक्स ज्योतिबा फूले ठीक है महात्मा गांधी अम्बेडकर अम्बेडकर ने तो बुक ही लिखी थी एनहेलेशन ऑफ कास्ट तो इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी काम किया था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हुई थी साउथ इंडिया में इट आल्सो अपोज्ड कास्ट सिस्टम टेम्पल एंट्री सत्याग्रह एंड और सत्याग्रह ये भी साउथ में हुए थे तो ये भी हमारे कुछ रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स थे जो उस टाइम पे चले थे फिर ये हो गया आपका विमेन और स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स फिर एजुकेशन को लेके भी काम हुआ था ये आप रिफॉर्म्स इन एजुकेशन जो है हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां आप इन डिटेल पढ़ोगे वुड्स डिस्पैच आया था एटीन में ठीक है इट रिकमेंडेड द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एट हायर लेवल और वर्नेक्युलर को भी इसने प्रमोट कहा था करने के लिए कहाँ पे प्राइमरी लेवल पे तो उस यूनिवर्सिटीज भी काफी स्टैब्लिश की थी कैलकटा में बॉम्बे में, में मद्रास में मद्रास चेन्नई आपका पंजाब में अलाहाबाद में अनदर बिग पुश आया था 1929 में विद ट ऑफ हार्ड वर्क कमिशन जिन्होंने क्या कहा था रिफॉर्म्स लाए थे एट द एलिमेंट्री लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पे तो एजुकेशन में भी काफी काम हो रहा था प्रिंसली स्टेट्स में भी महाराजा ऑफ माइसोर एंड बरोड़ा जो थे दे टुक मेनी स्टेप्स टू प्रमोट एजुकेशन और डाउनग्रेड करने के लिए कास्ट सिस्टम को दो इंडिया विटनेस न्यूमरस सोशल रिफॉर्म्स कॉलोनियल रूल पे लेकिन जो रिफॉर्मिस्ट एजेंडा था बाय द ब्रिटिश इज टेकन विद पिंच ऑफ सॉल्ट ठीक है क्योंकि उनका जो भी अगर कोई रिफॉर्म भी रहा है जैसे अगर वो इंग्लिश एजुकेशन ला रहे हैं मैंने आपको कहा था उसको उनको क्या चाहिए था उनको एक इन्फीरियर रेस चाहिए थी जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव के जो लो पेड जॉब सबसे ज्यादा होते हैं वो कर कर सकें ठीक है तो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी अंडरमाइंड लोकल नॉलेज बेस्ड ट्रेडिशनल नॉलेज उसको उन्होंने अंडरमाइंड किया ठीक है उसको इन्फीरियर बताया टेक्निकल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया कॉलोनियल बिट टू रिफॉर्म ट्राइबल जो थे लेट टू देर एलिएनेशन एंड ट्राइबल अनरे तो ट्राइबल जो थे वो काफ़ी एलियेट हो गए थे उनकी पॉलिसी की वजह से और काफी ज़्यादा उनके रिवॉल्व सामने आए थे ट्राइबल एरियाज़ के तो कॉलोनियल रूलर्स थे डिड नॉट पे मच अटेंशन टू तो रिफॉर्मिंग कास्ट ड्यू टू तो फेयर्स ऑफ ए कल्चरल म्यूटिनी जैसे मैंने आपको बोला कंडीशन ऑफ वुमेन जो थी आल्सो रिमेन डेप्लोरेबल टिल द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कंडीशन ऑफ वुमेन भी ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही रही थी कंडीशन ऑफ प्रजेंट्री एंड रूरल इन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी तो हम बोल सकते हैं कंक्लूजन में सोशल रिफॉर्म एजेंडा जो ब्रिटिश था इट वॉज लिमिटेड एट बेस्ट एंड वॉज परसूड ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट डेंट हर्ट द कॉलोनियल इंटरेस्ट जब तक कॉलोनियल इंटरेस्ट को हर्ट नहीं कर रहा तब तक ठीक है सोशल रिफॉर्म्स आप लाते जाओ तो ये सिंपल सा चैप्टर जो हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इसकी बेस आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में ही बन जाती है यहाँ पास उसका थोड़ा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखा अब हम देखते हैं इंडिकेटिव क्वेश्चंस दो जो इसमें डिस्कस करने हैं ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैड ऑल द शॉर्टकमिंग्स ऑफ ए फॉरेन रूल बट इट हैड अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन ट्रेडिशन इसमें दो चीज़ें हैं एक तो जो ब्रिटिश रूल है उसकी शॉर्टकमिंग्स उसमें थी सारी जो फॉरेन रूल की होती हैं ठीक है अगर आप पे कोई फॉरेन रूल कर रहा है तो उसकी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स होंगी वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएगा जो उनके फेवर में होगी और आपके अगेंस्ट होगी वो आपको कहीं ना कहीं इन्फीरियर फील करवाएगा क्योंकि वो फ़ॉरन रूल है तो वो आपको बताएगा मैं सुपीरियर हूँ इस सब के बावजूद उनका एक थोड़ा बहुत मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहा है मतलब आप ज्यादा एक्सेस में नहीं जा सकते पॉजिटिव्स लिखने के लिए ब्रिटिश का क्या इंपैक्ट रहा है इंडियन सोसाइटी पे क्योंकि आपका कीवर्ड ही है उनका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहा है दरमियानी इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन ट्रेडिशन पे ठीक है तो कॉमेंट ठीक है ये आपका क्वेश्चन है अब देखते हैं आंसर कैसे अटेम्प्ट किया गया है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन ट्रेडिशन का किस किसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहा है वेस्ट का दैट मींस वेस्ट से जो पहले आए थे उनका ज्यादा मॉडर्नाइजेशन में कुछ हाथ नहीं है वहां से इन्होंने थोड़ा बैकग्राउंड से क्वेश्चन स्टार्ट किया है बैकड्रॉप क्या है इसका मुगल पीरियड में सोसाइटी उतना मॉडर्नाइज नहीं हुई इंस्टीट्यूशन जो थे वो अभी भी सफर कर रहे थे फाइन जब ब्रिटिशर्स आए दे केम अलॉन्ग विद मॉडर्न आइडियाज ऑफ सेक्शन जिनने अपील किया जो मॉडर्न सेक्शन ऑफ इंडियंस थे उनको जैसे मॉडर्नाइजिंग फिलासोफीज ऑफ एनलाइटनमेंट रैशनैलिटी इगैलीटेरियनिज्म लेके आए थे ठीक है ओल्ड रिलीजियस प्रैक्टिस जो थी इट प्रोवाइडेड सैक्शन टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फंडामेंटलिज्म एंड सुपरस्टिशन दे वर क्वेश्चन बाय द अर्ली रिफॉर्मिस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेश ब्राह्मण समाज प्रार्थना समाज एंड सो ऑन तो ये टॉपिक में थोड़ा बैकग्राउंड का कि बाकी ट्रेडिशन जो थे वो मॉडर्नाइजेशन नहीं लेके आए थे और इंडियन सोसाइटी में भी काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके बाद जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस मॉडर्नाइजिंग इन्फ्लुएंस आया ब्रिटिश रूल का मेनी सोशल एंड religious evils were discouraged ठीक है तो काफी इन सब चीजों को डिसकेज किया गया था अब ये जो पैराग्राफ है इसमें वो सारे पॉइंट्स लिखोगे जो हमने एक्ट अभी तक पढ़े जो सोशल रिफॉर्म्स लेके आए थे चाहे वो सती में हो इंटर कास्ट इंटर रिलीजियस मैरेजेस में हो ठीक है या आपका शारदा एक्ट भी है एज ऑफ मैरेजेज उसको भी इंक्रीज किया था कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन वॉज नेवर चैलेंज एट अ स्केल एंड इंटेंसिटी एज इट वॉज चैलेंज ज्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कास्ट को भी ऑल दो इन्होंने इतना ज्यादा नहीं किया था पर एटलीस्ट कम्पेरेटिवली बेटर किया था ठीक है हिंदू रिलीजन को काफ़ी रिफॉर्म किया था मूवमेंट्स हमने पढ़ी वो सारे नाम आप यहाँ पे लिखोगे आपको डिटेल में कोई एक मूवमेंट एक्सप्लेन नहीं करनी है पर एटलीस्ट आपको वेरियस एरियाज जो है वो टच करने हैं मॉडर्न आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म इक्वालिटी ऑफ इस सब चीज़ों ने इंडिया को यूनाइट किया तो ये सारी चीज़ें आप इस पैरा में लिखोगे लेकिन आपको ये साथ में लिखना है कि बेसिक उनका क्या था उनका विद ऑफ सॉल्ट वाला वो वाली चीज डिस्पाइट सम ऑफ इट सेल्यूटरी इफेक्ट जो ब्रिटिश रूल है इन एवरी सेंस एंड रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल निगलेट एंड ऑपरेशन वॉज दैट द इंडियन ट्रेडिशन जो है इसको सब्जुगेट किया गया और इंस्टीट्यूशन को बिलिटल किया गया आपको अपने जो रेस है अपने इंस्टीट्यूशन अपनी सोसाइटी को उसको इन्फीरियर मानने पर मजबूर किया गया मोर और आफ्टर द रिवॉल्ट जो ब्रिटिश था दे बिकेम मोर कॉशिट टूवर्स इंडियन सेंसिबिलिटीज इन द सोशल एंड डी कल्चर फेयर एंड इट ऑल्सो लिमिटेड द मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस था इंडियन ट्रेडिशन पे तो इसमें तीन चीजें आप डिस्कस डिस्क्राइब कर रहे हो पहले तो जो ब्रिटिशर्स से पहले आए थे वो उन्होंने जो प्री ब्रिटिश थे उन्होंने मॉडर्नाइजिंग ज्यादा मॉडर्नाइजिंग इन्फ्लुएंस उनका उतना नहीं रहा जिसमें इस्लामिक वगैरह और इंडियन सोसाइटीज की खुद की प्रॉब्लम चल रही थी सेकेंडली आपको लिखना है इनका इन्फ्लुएंस रहा है लेकिन मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहा है कुछ एरियाज को इन्होंने जान के टच नहीं किया बिकॉज दे फेर कल्चरल म्यूटिनी कल्चरल म्यूटिनी भी कीवर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो इफ यू विश एंड फिर आपको कंक्लूजन में कैसे लाना है कि मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहा है क्योंकि उन्होंने काफी जो उनका काम जो कर रहे थे वो उन्होंने उस, उसी हद तक किया जिस हद तक वो कॉलोनियल इंटरेस्ट के अंडर आता था उसको हर्ट ना करे तो इट वाज टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट तो ये वो सारी चीजें आप लास्ट में लिखोगे एंड जहां पे आप मॉडर्नाइजिंग मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस लिख रहे हो वहां पे आपको जो सोशल रिफॉर्म्स लाए हैं कॉलोनियल रूल में वो सोशल रिफॉर्म्स आपको उनके एटलीस्ट नाम सबके एक्ट वगैरह जो है यहाँ पे लिखने हैं

तो ये भी आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो थोड़ा कहीं इकोनॉमी की वजह से आगे ठीक है पॉलिटिकल जो एक्सप्लाइटेशन थी उसकी वजह से आ गए जैसे आपका वो ब्रेन ड्रेन वाली थ्योरी दी थी इकोनॉमिक ड्रेन वाली थ्योरी थेरी थी, थी, थी दादाबाई नेहरू जी ने और आर सी दत्त ने उन्हें इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन को सामने लाया था तो वो भी कैरिजमैटिक लीडर्स थे रूल ऑफ लॉ भी आपका पॉलिटी से रिलेटेड हो गया ठीक है तो ये सारी जो चीजें हैं इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ज्यादा है रीजन एज कम्पेयर टू सोशल तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है वही आपको बोला गया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ज्यादा थे एज कम्पेयर टू सोशल तो यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे खुद देख लोगे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो जो, जो चीज़ें हमने बड़ी है एग्जाम इसमें वीडियो में बुक में कि क्या क्या रीजंस रीजंस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फॉर द राइज ऑफ उन पे आप फोकस करोगे फिर लास्ट में आप लिखोगे लेकिन कुछ सोशल रीजंस भी थे लेकिन मेजोरिटी कंक्लूड करना है ऑल द सोशल रीजन भी रहे हैं लेकिन मेजरली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन की वजह से राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हुआ वो सारी चीजें आप यहाँ पे देखोगे आप ये आंसर ही पढ़ लेना ये सारी चीजें हमने जो है वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक दो क्वेश्चन मुझे आए हैं मेल मैं वो उनको जल्दी रिप्लाई कर लूंगी ठीक है अगर आप चाहो तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के आप आंसर कर सकते हो तो दिस वाज़ इट आपका सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर एंड इसका पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगी सो टिल द टाइम मैं अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे